हेलो दोस्तों, नमस्कार। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे ना कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो क्या बता दूँ? तो हाँ, बता ही देती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी किससे होंगी। क्यों, चौंक गए क्या? यकीन नहीं हो रहा? तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए। मैं 100% गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आपकी शादी किससे होंगी। तो इसके लिए मैं सिंपल 4 स्टेप का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो भाई, ये सभी स्टेप केयरफुली फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर सीरियल नंबर अनुसार ए से जेड तक के अल्फाबेट आए हैं, तो आप वह सीरियल नंबर अनुसार लिख लीजिए। स्टेप नंबर 2। दोस्तों, आपका जो भी नाम होगा, आप वह इंग्लिश के अल्फाबेट के सीरियल नंबर अनुसार लिख लीजिए। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, भाई मेरा नाम मीरा है, तो मैंने इंग्लिश के अल्फाबेट के सीरियल नंबर अनुसार मेरा नाम ऐसा लिखा। देखिए, यम यह 13 नंबर पर है, तो मैंने यहाँ 13 लिखे। आई यह 9 नंबर पर है, तो मैंने यहाँ 9 लिखे। आर यह 18 नंबर पर है, तो मैंने यहाँ 18 लिखे। और ए यह 1 नंबर पर है, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। दोस्तों, ध्यान रहे यहाँ पर कि आपको अपने नाम को ही इंग्लिश के अल्फाबेट के सीरियल नंबर अनुसार लेने का है, मेरे नाम को नहीं। नहीं तो आपका जवाब गलत भी हो सकता है। स्टेप नंबर 3। दोस्तों, आपने अपना नाम सीरियल नंबर अनुसार ले लिया ना, अब उसे नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, मेरा नाम सीरियल नंबर अनुसार इस प्रकार है, तो अब हम उसे नेक्स्ट डिजिट में इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, 13 यह 2 डिजिट में है, तो हम उसे 1+3 करेंगे, तो वो हो जाएंगे 4। 9 यह सिंगल है, तो 9 जैसे के वैसे लेंगे, तो 9 के 9। 18 यह 2 डिजिट में है, तो हम उसे 1+8 करेंगे, तो वो हो जाएंगे 9। और लास्ट 1 सिंगल है, तो जैसे के वैसे लेंगे, तो 1 का 1 लिखेंगे। दोस्तों, स्टेप नंबर 3 जरा केयरफुली फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपका जवाब गलत भी हो सकता है। दोस्तों, स्टेप नंबर 4 जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, अब आपके नाम में कितने लेटर आते हैं वह देखिए, और आपका जो भी जवाब आया होगा, तो उसके प्रत्येक नंबर में यानी हर नंबर में वह लेटर प्लस कीजिए। दोस्तों, अब आपके नाम में कितने लेटर आते हैं वह देखिए, और आपका जो भी जवाब आया होगा, तो उसके प्रत्येक नंबर यानी हर नंबर में वह लेटर प्लस कीजिए। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, देखिए मेरे नाम में 4 लेटर आते हैं, तो मैंने मेरे आए हुए जवाब के प्रत्येक नंबर में 4 प्लस किए। दोस्तों, ध्यान रहे यहाँ पर कि आपके नाम में जितने लेटर आते होंगे,
तो उतने ही लेटर आपके आए हुए जवाब के हर नंबर में प्लस कीजिए, मेरे जवाब में नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी किससे होगी। तो भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, वो भी हेडफोन लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, अब आपके जो भी नंबर आए हैं वह अल्फाबेट में देखिए कि कहाँ पर है। जैसे मेरा जवाब 8, 13, 13, 5 आया था, तो देखिए अल्फाबेट में 8 नंबर पर यह जाता है और 13 नंबर पर यह आता है। तो उसी प्रकार आप अपने नंबर अल्फाबेट में देखिए कि कहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, आपकी शादी उनमें से किसी भी एक लेटर के नाम से शुरू होने वाले व्यक्ति के साथ हो सकती है। यदि दोस्तों आप में से किसी को लगता होगा कि मैंने गलत बताया है, तो भाई जिस दिन भी आपकी शादी होगी या हो चुकी है, तो आप अपने पार्टनर से ही पूछिएगा ना कि तुम्हारा नाम या उपनाम इस लेटर से शुरू होता है या नहीं। तो उनमें से एक ना एक लेटर तो मैच हो ही जाएगा ना। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, तो उसका सही जवाब है 2 मोमबत्तियाँ। 5 लकी विनर के नाम ये रहे: चंदन कुमार यादव, शमिका, शीतल जैन, अंजलि गर्ग, लक्ष्मण शिंदे। तो भाई आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा: भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो भाई फिर देरी कैसे, जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।